नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नगर परिषद पिछौर के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक एक में स्थित बिजली विभाग के उप केंद्र पिछौर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के आउटसोर्स ऑपरेटर वीरेंद्र बघेल के साथ सहोना गांव के कुछ अज्ञात लोगों ने हॉकी से मारपीट कर दी, जिसके कारण उनके सर में चोट आई है एवं विद्युत मशीनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई है, जिस कारण से विद्युत सप्लाई ग्रामीण एवं सिटी क्षेत्र में बंद हो गई है। विद्युत विभाग के ऑपरेटर वीरेंद्र बघेल के साथ सुबह 8 बजे मारपीट की गई। वीरेंद्र बघेल के अनुसार बताया जा रहा है कि हमलावर सहोना निवासी हैं। सहायक उपयंत्री मंसूर खान एवं बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित सभी कर्मचारी थाने पहुंचे, जहां पर थाने में FIR दर्ज कराई गई, जहां पर बिजली विभाग के समस्त स्टाफ थाने पर एकत्रित हुए, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई। विद्युत सप्लाई सुबह 8 बजे से बंद हुई। पावर हाउस में काफी तोड़फोड़ करने के बाद दोपहर 3 बजे बिजली सप्लाई चालू हो सकी, जहाँ पर लोगों ने गर्मी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संवाददाता जाकर खान पिछौर से। ये जो भी घटना हुई है, एक तो बड़ी दुखद है। हम सबको ये जानकारी है, इसे लॉकडाउन पीरियड में भी देखा सबने कि हम उस इस कठिन समय में भी 24 घंटे सप्लाई देने का प्रयास कर रहे हैं। हर जगह अपन कोशिश कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि सप्लाई रहेगी तो तब लोग आराम से घर में रह पाएंगे। हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी इसी प्रयास में सतत अपने प्रयास में लगे हुए हैं और ऐसे कठिन दौर पर भी अपने जाके समय समय पर जॉब कर रहे हैं। अगर इस तरह की घटनाएं बड़ी दुखद होती हैं, अब किसी लाइन फॉल्ट के कारण किसी ऑपरेटर के साथ मारपीट, इतना शासकीय सामान की तोड़फोड़, तो ये ठीक नहीं है। जो भी उसमें कल्प्रिट हैं, हम FIR कर रहे हैं। PI साहब बहुत अच्छे नेचर के हैं और पॉजिटिव हैं, उन्होंने सख्त कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया हुआ है और अपन जो भी कल्प्रिट हैं उसमें हम सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। अब वो चल रही है प्रोसेस, उसमें है तो इतनी जल्दी जिन लोगों की पहचान हो जाएगी उनके।